सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में हम हर किसान के यहाँ से, नए नए किसानों के यहाँ से वीडियो लेके आते रहते हैं, क्योंकि रूटीन से हम किसी भी एक पशुपालक की वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि सभी पशुपालक अपने पशु दिखाना चाहते हैं। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो अच्छी अच्छी जो मुर्रा नस्ल की भैंसें या कटड़ियों की डिमांड, साथ में हमने एक वीडियो HF के फार्म की छोटी सी कवर की थी जिसमें पशुपालकों की कॉमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड थी हीफर की। तो आज HF की ये कुछ बछड़ियाँ जो सेल के लिए अवेलेबल हैं इनकी वीडियो लेके आ रहे हैं। सबसे पहले जिस पशुपालक के यहाँ पे हमारी विजिट है मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा, ताकि जो भाई खरीदना चाहते हैं उनको पता लगे कि आज की वीडियो हम किस पशुपालक के यहाँ से लेके आ रहे हैं। सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपना शुभ नाम क्या है? अजीत भगत। और गाँव? डहीना। तहसील कौन सी लगती है? तहसील डहीना, जिला रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी। आज कितने पशु हैं बिक्री की, कितनी बछड़ियाँ हैं? तीन है जी। तीन है। तो भाई साहब जानना चाहेंगे सबसे पहले नंबर पे जो बछड़ी है कितनी एज होगी इसकी? इसकी एज है जी 18 महीने। 18 महीने। और इसकी जो माँ का दूध कितना है भाई साहब, पता हो आपको? उसका जी लगभग 30 लीटर। 30 लीटर दूध कौन से ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में। और बछड़ी अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है? हाँ जी 16 दिन की हुई है आज। 16 दिन हो गए सीमन रखवाए। तो देखिए HF दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल जिसको माना जाता है, क्योंकि इस मिलावटी दूध के दौर के अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो दूध की पूर्ति करने का जो काम करती है वो HF गाय करती है। बछड़ी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, बिल्कुल छोटे कान और ऊपर की तरफ उभरा हुआ जो हेड, क्योंकि एक HF की प्योरिटी यहीं से झलकती है, जितना छोटा कान होगा। और यंग हीफर है। काफ़ी बार पशुपालकों के कमेंट्स आए कि आप ने जिस फार्म की वीडियो कवर की थी उसकी एक बार दोबारा से वीडियो कवर करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी हीफर सेल नहीं कर रहे, इसलिए आज की वीडियो हम भाई के पास ये दिखा रहे हैं बछड़ी। भाई साहब एक कान के अंदर कैसे इसका जो थोड़ा वो कटा हुआ है, थोड़ा इंश्योरेंस करवाया था उस टाइम इसने? अच्छा, जो जो बाड़ी पर आते हैं मुर्गी उसके कारण हो गया था, ठीक है। तो आगे जो दूसरे नंबर पे बछड़ी है वो भाई साहब जी इसी दिन ही प्रेग्नेंट हुई थी, ये भी 16 दिन की हो चुकी है। एक ही दिन प्रेग्नेंट हुई दोनों? ये दोनों एक दिन की प्रेग्नेंट है। ठीक है। और इसकी एज कितनी है? इसकी है करीब 16 महीने। 16 महीने। इसकी माँ का दूध कितना है भाई साहब? इसका जी 35 है। 35 लीटर दूध। और ये सीमन की है या वैसे? सीमन की है। कौन से सीमन की? पाइपर की। पाइपर। तो देखिए हमें HF की इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी हम मानते हैं कि HF की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस हीफर के भी हम करीब से दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल छोटे कान हैं और भाई के पास गाय भी हैं, अच्छी क्वालिटी के जो पशु हैं वो देखने को मिल रहे हैं इनके पास। तो ये बछड़ी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, करीब से दिखाना चाहें तो थोड़ा यंग बछड़ी है इसलिए ज़्यादा करीब से नहीं दिखा रहे। ये देखिए जो थनों की क्वालिटी है, बिल्कुल चारों अलग अलग, अभी से जो सफाई है अच्छे पशु की वो अभी से दिखाई देने लग जाती है। ये देखिए अच्छी क्वालिटी के पशु दिखाने का प्रयास रहता है, उसी के अंदर ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं। ये वाली बछड़ी भाई? ये जी 16 महीने की हुई है। 16 महीने की। और इसकी जो मदर का दूध भाई साहब? वो जी 40 लीटर। 40 लीटर। और अभी ये प्रेग्नेंट होगी? नहीं जी ये नहीं हुई है अभी। ये प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो देखिए एज के हिसाब से बछड़ियों की हाइट लेंथ काफ़ी अच्छी है। इस बछड़ी की भी बात करें प्योरिटी में, काफ़ी ज़्यादा हम इसको कहेंगे कि बिल्कुल प्योर HF की। ये देखिए जो फेस वैल्यू है अच्छी, जो पशु हैं वो हम अपने बायर्स तक पहुंचाने के प्रयास में एक साधारण किसान से लेके और बड़े से बड़े ब्रीडर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक बार दिखाना चाहेंगे करीब से, क्योंकि बछड़ी थोड़ा यंग है इसलिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, एक्टिव हैं। तो ये कौन से सीमन की है भाई? ये जी स्ट्राइकर की। स्ट्राइकर की। और वो पहले नंबर वाली कौन से सीमन की है? उसका जी पता नहीं कौन से सीमन की है, उसका पता नहीं। हाँ। तो ये तीनों बछड़ियां बिक्री के लिए हैं। हाँ जी। तो एक बार आपका संपर्क नंबर जानना चाहेंगे भाई? 98-120-69-200। 98-120-69-200। किसी भी तरह की अदर जानकारी के लिए कोई भी पशुपालक इनसे संपर्क कर सकता है। साथ में भाई साहब कोई अगर बाहर से पशुपालक खरीदता है तो भेजने की व्यवस्था हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। ठीक है। तो
अदर जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप HF की वीडियो रूटीन से देखना चाहते हैं तो हम वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी भाई हैं वो थोड़ी गलत ईगो से इन्हें देखते हैं। अगर हरियाणा नस्ल के ऊपर हम HF का सीमन रखवा के अगर बच्चा ले सकते हैं तो मैं बताना चाहूँगा HF के ऊपर भी हम हरियाणा नस्ल का जो सीमन लगा के और हरियाणा नस्ल का बच्चा ले सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो जिस नस्ल का जो गाय है उसी नस्ल का अगर सीमन लगवाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सबकी अब अपनी पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि दूध के मामले में इन गायों का कोई जोड़ नहीं है। तो सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।